कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर में उन्होंने अपने पिता माधव राव सिंधिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करनी थी और ड्रोन स्कूल का शुभारंभ करना है, लेकिन वे ग्वालियर आने के बाद कांच मील की संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। यहां पर उन्होंने क्लिनिक में मौजूद डॉक्टरों से तो बात की ही, साथ ही यहाँ आने वाले मरीजों से भी बातचीत की। इसी दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व भाजपा अध्यक्ष कमल माखीजानी भी मौजूद थे। कांचमील में संजीवनी क्लिनिक शुरू हो गई है। क्लिनिक कैसे काम कर रही है यह देखने के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया दिल्ली से आने के बाद सीधे संजीवनी क्लिनिक पहुंच गए। सिंधिया को आया देख पहले तो क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर व स्टाफ चौंक गए, लेकिन बाद में सहज हो गए। सिंधिया ने क्लिनिक में काम करने वाले सभी डॉक्टरों व स्टाफ से बातचीत की। उन्होंने क्लिनिक में आने वाले मरीजों को सही ढंग से देखने व उपचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संजीवनी क्लिनिक इसलिए खोले गए हैं जिससे लोगों को सहज व सरल तरीके से उपचार मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार व प्रदेश की सरकार लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के हर संभव प्रयास कर रही है जिससे लोगों की हर तरह की परेशानी को हल किया जा सके। रोमेनिया और मोल्डोवा से करीब 8,000 बच्चों को, हंगरी से करीब 6,500 बच्चों को, स्लोवेकिया से करीब 2,000 बच्चों को और पोलैंड से करीब 1,500 बच्चों को, कुल मिलाकर 18,000 बच्चे सुरक्षित वापस घर पहुँचे। केवल सुमी क्षेत्र में हमारे 700 बच्चे अटके हुए थे, उनको भी कल हम लोगों ने इवैक्यूएट किया है और आज के फ्लाइट से वो भी सुरक्षित भारत आएंगे। ये शायद पहली बार इतनी फूर्ती और इतनी मुस्तैदी से भारत सरकार ने पहली बार इतने जल्दी सभी हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाया है एक युद्ध के वातावरण से।